ध्यान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सेंस तीनों उंगलियां सीधी रहें और दोनों हाथ हम थाई पर रख सकते हैं। यह मुद्रा करने के साथ हम डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे लंबा श्वास लेंगे, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ेंगे। यह अभ्यास आपने करना है। यह मुद्रा क्या करती है आप ध्यान से सुनिए, यह मुद्रा इतनी पावरफुल है, इससे हमारा पूरा मस्तिष्क प्रभावित होता है, मस्तिष्क का स्नायु मंडल प्रभावित होता है, जिससे हमेशा जो नकारात्मक विचारधारा होती है वह चली जाती है और पॉजिटिविटी आती है। सकारात्मक विचारधारा आते ही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, मस्तिष्क के पूरे स्नायु मंडल को प्रभावित करता है। मस्तिष्क संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, इससे देखिए आप ध्यान से समझिए, यह न केवल रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाता है बल्कि अनेक बीमारियों का इलाज भी इस मुद्रा के द्वारा होता है। आप इस मुद्रा में बैठिए, कुछ ही समय में आपको यहाँ पर नाड़ी के स्पंदन महसूस होने लगेंगे। आपको यह मुद्रा करने से अनमनापन, घबराहट, आवेग, आवेश, डिप्रेशन, क्रेकनेस, पागलपन, यहां तक फिट की बीमारी का इलाज इस मुद्रा से होता है, केवल टच करने मात्र से। इस मुद्रा से और अनेक फायदे हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्परेचर है, यह मुद्रा के साथ हमारा डीप ब्रीदिंग का अभ्यास चलना चाहिए। धीरे धीरे लंबा श्वास लेना और धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ना, यह क्रम भी चालू रखना चाहिए। दोनों परीक्षा ध्यान के बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। जिन लोगों को गुस्सा आता है, यह मुद्रा करने के बाद आप डीप ब्रीदिंग करिए, 3 मिनट में आपका गुस्सा शांत हो जाता है। जिन लोगों का ध्यान में मन नहीं लगता है, एकाग्रता नहीं रहती है, जैसे हम यह मुद्रा लगाते हैं या नाड़ी स्पंदन महसूस होते हैं, जिससे हमारा मन एकाग्र हो जाता है। इससे हम और आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब छोटे होते तो पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, जब बड़े हो जाते तो उनका IQ स्तर डाउन हो जाता है, मेमोरी पावर कम हो जाता है। छोटे बच्चे तो शिकायत करते ही है कि हमें याद नहीं रहता, लेकिन बड़े बुजुर्ग भी ये शिकायत करते हैं कि हमारी उम्र हो गई है इसलिए याद होना कम हो गया है। उन दोनों के लिए मुद्रा रामबाण है, इससे हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है। और इस मुद्रा के साथ डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करते हुए हमें महाप्राण ध्वनि करनी चाहिए, और महाप्राण ध्वनि करने से मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, इससे हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है। केवल 2 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे और फिर इससे क्या लाभ, हम आगे बढ़ेंगे। सुखासन में बैठ जाइए, आराम से श्वास भरें। प्रातः काल उठते ही आप किस बार ये ध्वनि करिए, इस मुद्रा में करिए और डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करिए, तो मेमोरी पावर पावरफुल हो जाता है और मस्तिष्क की क्षमता बढ़ जाती है। ये मुद्रा मस्तिष्क संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज की बीमारी हो, चाहे ब्लड प्रेशर हाई हो, तो इससे अच्छी राहत मिलती है। और मस्तिष्क संबंधी रिलेटेड कोई भी बीमारी में ये मुद्रा बड़ी पावरफुल है। यदि किनका ब्लड प्रेशर हाई है और कम नहीं हो रहा है, इस मुद्रा को आप रेगुलर करिए, 1 घंटा तक रोज करिए, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को करिए, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। यह मुद्रा से चेहरे पर ग्लो आता है। जितने भी भाई बहन कॉस्मेटिक यूज करते हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आप किसी तरह की कॉस्मेटिक प्रसाधन सामग्री यूज मत करिए, इस मुद्रा को नियमित करिए, आपके चेहरे पर ग्लो बना रहेगा। जिन लोगों को वजन घटाना है तो यह मुद्रा करने से वजन भी घटता है। यह दुनिया बड़ी अजब गजब की है, कई लोगों को नींद लेने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती है और कई लोग अत्यधिक नींद निकालते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती है तो यह मुद्रा नियमित करने से उनको नींद अच्छी आने लगती है। इस मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा करें तो इससे 3rd और 4th फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं तो इससे माइग्रेन का दर्द भी अच्छा होता है और नींद भी अच्छी आती है। बार बार आपको स्लीपिंग डोज लेने की जरूरत नहीं है, तो मुद्रा बहुत अच्छी है। वजन घटाना है तो वज्रासन में बैठ के, भोजन के बाद जो वज्रासन किया जाता है उसमें बैठकर आप यह मुद्रा करिए, इससे आप लगातार करने पर इससे वजन घटता है। तो बहुत अच्छी मुद्रा है, नियमित रूप से करिए। अब इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए
न केवल ये कोविड से दूर रहे बल्कि अनेक बीमारियों से आप दूर रहे और हमेशा आप तरोताजा रहे, एनर्जी लेवल आपका बना रहे, इसके लिए एक स्पेशल मुद्रा और बता रहा हूं, प्राण मुद्रा। थर्ड फिंगर और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, इसे कहते हैं महाप्राण मुद्रा। जैसा कि ये नाम से विदित कर रही है, ये मुद्रा करते जिस तरह गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है पुनः उसे रिचार्ज किया जाता है, उसी तरह यह मुद्रा करते ही हमारी शरीर रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है और हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। हमने यहां तक अनुभव किया है, जो भाई बहन 6 महीने से बिस्तर में सोए हुए हैं, बहुत कमजोर है, वीकनेस है, उनमें कमजोरी आई हुई है, अगर यह मुद्रा 1 घंटे तक रोज करे तो 1 महीने में वह व्यक्ति चलने लगता है। दूसरी बात, अभी जो कोविड का ये तूफानी दौर चल रहा है, अफरा तफरी मची हुई है, घबराहट है, लोग डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही है, ऐसे में ये मुद्रा आपको महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ये मुद्रा करने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग और पावरफुल हो जाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आप 1 घंटे से 1.5 घंटा ये रोज ये मुद्रा करिए, क्योंकि अगर इम्यूनिटी हमारी वीक है तो ही बाहरी बीमारी आती है, कोविड-19 का अटैक होता है, इस दूसरे दौर का अटैक होगा। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो आप इससे बचे रहेंगे। तो ये मुद्रा और आपको पहले मैंने जो ध्यान मुद्रा करवाई वो आपको नियमित रूप से करना है। ये मुद्रा से न केवल इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, आंखों संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, आंखों में पानी आता है, आंखों के चश्मे के नंबर कम करने हैं, अगर लगातार कोई व्यक्ति 2 या 3 महीना करेगा ये मुद्रा, और बच्चे लोग को अभी ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, पूरे दिन मोबाइल और टीवी पर लगे रहते हैं तो छोटी उम्र में उनके चश्मे लग जाते हैं, 1.5-2 नंबर तो एक मामूली सी बात है, तो ये मुद्रा करने से 1.5-2 नंबर तो 2-3 महीने में उतर जाते हैं। ये मुद्रा बुखार के समय करने से, अब रोज करेंगे तो आपको बुखार आएगा नहीं, और बुखार के समय करने से हमारा बुखार कंट्रोल हो जाता है, फीवर कंट्रोल हो जाता है। अगर किसी को डेंगू हो जाए, और डेंगू में आप सब जानते हैं कि हमारा प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है, आपको आश्चर्य होगा भाई और बहनों, ये मुद्रा करते ही हमारा प्लेटलेट काउंट अप हो जाता है। फ्लू की बीमारी हो और कोई भी बीमारी हो, इसमें यह मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण अदा करती है। तो ये मुद्रा रोज करने से हमारा बुखार भी कंट्रोल हो जाता है और बुखार कम हो जाता है। जिनको हाइपरथायराइड है, ये मुद्रा करने से वह दूर हो जाती है। कई बार हम ये सुनते हैं, कई भाई बहनों को पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, जिसको राजस्थानी में बाइटा कहते हैं। जब रात को सोते हैं तो पैर ऊपर ही नहीं उठता है और उसमें क्रैम्प आने, बड़ा भयंकर दर्द होता है। तो आप सभी श्रोतागण जो भी सुन रहे हैं, ये मुद्रा नियमित करने से क्रैम्प्स की बीमारी दूर हो जाती है। ये मुद्रा करने से हमारे शरीर में अनेक तरह के विटामिन पैदा होते हैं, तो बहुत अच्छी मुद्रा है। और जैसा कि पहले मैंने बताया, माइग्रेन के दर्द में ज्ञान मुद्रा के साथ ये मुद्रा करने पर हमारा माइग्रेन की तकलीफ से हमें छुटकारा मिल जाता है। और जिन लोगों को पैरालिसिस हो जाए, पैरालिसिस में कभी राइट साइड का अंग रह जाता है, कभी लेफ्ट का रह जाता है, कभी चेहरे का पैरालिसिस हो जाता है, तो ये मुद्रा नियमित करने से पैरालिसिस में अच्छा आराम मिलता है। कभी कभी ये भी देखा गया है, कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए और उसको ये मुद्रा करवाई जाए नियमित, वो तो नहीं करेगा, लेकिन ये मुद्रा बना के अगर माइक्रो टेप लगा दी जाए तो कोमा से लौटने की भी शक्यता रहती है, संभावना रहती है। तो बहुत अच्छी मुद्रा है ज्ञान मुद्रा और प्राण।